कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामला, जिसमें कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर 200 से ज़्यादा महिलाओं पर रेप के यौन उत्पीड़न के जो आरोप हैं वो लग रहे थे। इसके बाद अभी उन पर किडनैपिंग का जो आरोप है वो भी लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं द खटक। ये जो पूरा मामला है अभी कर्नाटक या पूरे देश में जो है वो फैला हुआ है, जो पूरे देश में ये एक दहलाने वाला मामला है कि क्या इन्होंने 200 महिलाओं के साथ इस तरह से जो दरिंदगी है वो की है। वहीं जो रेवन्ना है, प्रज्वल रेवन्ना, वो अभी देश छोड़ के जा चुके हैं। आपको बता दें कि एक 20 साल के युवा कर्नाटक के कृष्णानगर का रहने वाला, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि जो उनकी माँ है वो 6 साल पहले प्रज्वल के घर काम करती थी। वहीं 5 दिन पहले प्रज्वल का एक करीबी सतीश जो है वो उनके घर आता है, उसकी माँ से कहता है कि पुलिस आपके घर जांच के लिए आ सकती है, यौन उत्पीड़न के बारे में आपसे पूछताछ करे तो आप कुछ भी मत बताना। इसके बाद 29 अप्रैल को सतीश फिर उनके घर जाता है, उसकी माँ को बाइक पर बिठा करके ले जाता है। इसके बाद 1 मई को कृष्णानगर के रहने वाले युवक को उसके दोस्त बताते हैं कि उसकी माँ के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रज्वल जो है वो उनका रेप कर रहा है। इसके बाद युवक पुलिस से माँ की जान को खतरा बताते हुए जो सुरक्षा है उसकी गुहार लगाते हैं। पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। वहीं कर्नाटक की CM सिद्धरमैया महिला की सुरक्षा को लेकर के पुलिस को आदेश भी देते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि 1 मई को प्रज्वल रेवन्ना जो है वो एक ट्वीट भी करते हैं और बताते हैं कि जाँच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने वकील के जरिए CID बेंगलुरु को बता दिया है, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। इसके बाद कर्नाटक की CM सिद्धरमैया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा, उन पर जो भी आरोप लगे हैं वे शर्मनाक और देश को दहलान देने वाले हैं। केंद्र सरकार पर फरार सांसद को वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। CM ने लिखा कि 27 अप्रैल को देश छोड़कर विदेश भाग गया है ये प्रज्वल, ऐसा पता चला कि वह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए यात्रा कर रहे हैं। वही SIT जो है वो इस मामले की जांच कर रही है, जांच में लगी हुई है। आगे क्या होगा क्या नहीं, हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।